traps, mind games. 240 hours. You're getting to your last one. Don't tell me. Let it go. 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 A social human experiment. तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? खड़े होके सिंदूर लगा दूं कितनी बार, डांस और उसमें कितना डिफरेंस था ये बता दो। डांस तो फिर भी एंटरटेनिंग था, ये सिंदूर कितनी बार भरोगी? कभी राज, कभी रमेश, व्हाटएवर, तुम कुछ नया करके दिखाओ। और ये क्या, तुमने क्या समझ रहा था तुम यहाँ पे ये शीशे के टुकड़े करके उस पर बसंती की तरह नाच करोगी तो तुम्हारे क्या कहते हैं सेलेक्ट हो जाओगी? सॉरी टू से दैट। और शक्ल पे तो तुम जाना मत। अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में, अपनी शक्ल देखो फिर बात करो। और दूसरी बात कि ये जो सिंदूर का तुम बोल रही थी ना, ज़्यादा मुझे ना घिसे पिटे इंडियन मूवीज और उनसे इंस्पायर मत हो, और जो है वो जरा इंटरटेनमेंट करो, इंटरटेन। और डिफरेंस जो कह रहे हो ना कि डिफरेंस करना चाहिए एक्सेट्रा, प्लीज़ कुछ नहीं डिफरेंस कर सकती, करके दिखा दो कुछ वैसा डांस करके दिखा दो, मान जाऊँगी। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, आप दोनों वेटिंग पे आ जाइए। साद, जिशान, उजैर, इजाज, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। जिशान और साद, आप तो पहले भी आ चुके हैं, आप तो हार गए थे। सर मुझे वेटिंग में डाला था और कहा था कि कॉल करके आपको बुलाएंगे, कंफर्म। काट लेगा ना तो अभी मर जाएगा यहीं। सांप तो नहीं, जहर तो निकाला हुआ होगा ना। जहर क्यों निकाला होगा, शादी में आया तू? अरे भाई तुम नहीं कर सके, सांप छिल गया इसमें दांत है। एक मिनट छोड़ो यार, करने छोड़ देगा यार ये। यार कोबरे का डियर चाहिए ना, पकड़। मर जाएगा उसका कोई तुझे वो नहीं है? अपने घर वालों के लिए तो दुख होगा मुझे, लेकिन सिलेक्शन में मिले बहुत। अपने घर वालों के लिए तुझे दुख थोड़ी होगा, तू तो मर जाएगा, उन्हें दुख होगा। मतलब उनकी परवाह है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि, लेकिन सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है ना। देखो सांप डालता है, हर जगह पहुंच जाते हो। नहीं नहीं सर, बीजी हंट के ऑडिशन में भी थे तो मैं एक ही बार से फर्स्ट टाइम गया था, उसके बाद मैं लिविंग ऑन द एज में, और मुझे शौक है लिविंग ऑन द एज में आगे जाने का और सेलेक्ट होने का। माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज में जब तुम लास्ट टाइम सेलेक्ट नहीं हुए तो अब क्यों लगता है सिलेक्शन हो जाएगी? तो वेटिंग में था मैं, और मुझे लगता है कि में कहां थे तुम? सांप को सही तरह पकड़ेंगे? नहीं सर, वेटिंग में डाला था, जरा याद करें। यार मुझे याद कराने आए हो क्या? नहीं नहीं, सांप को साथ आप क्यों आए? सर टाइटल के लिए। टाइटल? मेन टाइटल? क्या टाइटल है इस दफा? स्पीड डेमन। स्पीड डेमन का? स्पीड डीमन। स्पीड डीमन? डीमन का क्या मतलब है? कौन? अबे ढक्कन, जब मतलब ही नहीं पता तो टाइटल जीत के क्या करेगा? जी भाई क्या मतलब है? स्पीड आइकन। आपसे पूछा है मैंने, स्पीड डीमन जो सबसे तेज हो, सबसे चालाक हो। डीमन का क्या मतलब है? डीमन शैतान। जी मेरे भाई आप दोनों को क्यों लूं? मसला तो ये आप आ चुके हैं पहले, लेकिन मजीद मुझे आगे मैं चाहता हूँ ये आइकन हासिल करना। गालियाँ देनी आपने, एक मिनट है जी। बहुत शौक हो रहा है गालियाँ सुनने का तुम्हारे को? हाँ बात क्या कर रहे है तू मेरे आगे बैठा हुआ? सोचता है क्या? करना क्या है तेरे को? मसला क्या है तेरे साथ? हाँ क्या मुंह के ऊपर जिप लग गई है, बोलना नहीं आता? ये तो पोएट्री है, और बड़ी गालियाँ। बड़ी सुननी है? कितनी बड़ी जाए? लेक्चर नहीं, गालियाँ तो दे तो रहा हूँ, क्या और कितनी बड़ी सुनेगा? और कितनी बड़ी सुनेगा अब तू? और ये तुम्हारी समझ में आती नहीं है, तुम इस चीज को भी लेक्चर का नाम दोगे अब? हाँ अब तुम बोलोगे जो मैं एक लफ्ज बोल रहा हूँ ये भी एक किताबी अल्फाज है? नहीं बोल दूं मैं, है ना? ठीक है ठीक है, एक मिनट आपके पास है, गो। पागल जी, तेरे को मैं हाँ दिल की भड़ास नहीं निकालनी, गालियां देनी है।
तेरे को जितनी भी गालियाँ दूँ ना सबसे कम है पूरा को एक साथ गालियाँ देना है तेरे को दी जाए ना कम में तेरी तेरी सही है जी साथ मुनासिब नहीं है गालियाँ देना मुनासिब नहीं है गालियाँ देना एक बात समझ ले ये तो मैंने इसलिए बोला था कि जिसकी दिल की भड़ास है वो निकाल देगा बगैरती में और डेयरिंग होने में फर्क है आप तीनों हो गए रिजेक्ट सिलेक्शन हो गई आपकी आ जाओ अच्छा भाई देखें मसला ये है कि कराची में इस दफ़ा रिकॉर्ड लोग ऑडिशन में आए हैं जिन्होंने वीडियो प्रोफाइल्स भेजी जो भी किया लेकिन लोग बहुत सारे हैं तो ऑडिशन का फॉर्मेट भी हमें चेंज करना पड़ रहा है तो हमने ये सोचा है कि आप सबको एक साथ बुला लिया इस तरह बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं तो आपके कुछ चैलेंजेस हम करवाएंगे यहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो भी बता दें जी या तो मैं उसको अपने सर पे मारकर तोड़ूंगा यहाँ से पंच मारकर उसको तोड़ूंगा नहीं लेकिन देखो ये तो साइकोपन हुआ ना आप मारोगे आज आपकी सिलेक्शन हुई इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा लोग सोचेंगे अच्छा ऐसी चीज़ों पर लोगों की सिलेक्शन होती है अब ये घर पर पहले प्रैक्टिस करो आप भी ऐसे ही करते हो ना जब आप देखते हो भाई अच्छा ये वकार ने इसकी सिलेक्शन किया चलो यार यही करना पड़ेगा और वो चीज़ नहीं करेंगे जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई तो फिर मैं भी बोल सकता हूँ अपना हाथ काट लूँ यहाँ कितने लोग हैं यहाँ एक आया कहने लगा मैं हाथ में कील ठोक दूंगा अपने देखो तो करना ये है भाई कि पहले दो दो लोग सिलेक्ट कर लो अपने अपने अब ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए ये है कि आप लोग का जो पार्टनर है वो एक बनेगा मुर्गा बन जाए पहली चीज़ तो कमर पे जाना है ठीक है जो जा रहा है वो मुर्गा बनेगा कुकड़ू कुकड़ू करते हुए वहाँ जाएगा कुकड़ू कुकड़ू करते हुए वापस आएगा जो सबसे पहले आपके टीम में से आएगा वो जीतेगा एंड गो बस ठीक है वो जीते चैलेंज ये है कि देखें ये हाथ है ये साइन बनना चाहिए पूरा अगर ये साइन आपका नहीं बनता तो आप डेयर में कॉम्पीट नहीं करेंगे नहीं आपका हाथ ये देखें मेरे हाथ आ जाए ठीक है ये आगे नहीं बन रहा ये आ जाइए आ जाए जितने निकलने थे वो निकल गए जिसका हैंड साइन सही बन रहा है वो रुका है पहली चीज़ तो ये है ना कि जिस शो में आ रहे हो उसका हैंड साइन आना चाहिए बनाना जो आगे की रो है ये एक एक स्टेप आगे आ जाए जब मैं बोलूँगा गो तो सब ने चीख मारनी है और चीख मारते हुए चीख रुकेगी नहीं जिसकी रुकती जाएगी उसको हम हटाते जाएंगे एंड चीखो सिलेक्शन इधर आ जाए आप लोगों के दरमियान चैलेंज ये है सर के बल खड़े हो जाना बस ठीक है बाकी हट जाए बाकी सब हट जाए इधर आ जाए करना ये है भाई आप लोगों ने कि आप लोग एक एक टांग उठा लें सब नीचे जाएंगे ये घुटना जमीन पे टच होना चाहिए एंड गो आ जाए आ जाए आ जाए यहाँ आ जाए दोनों आ जाए दोनों आ जाए सिलेक्शन हो गई आपकी
जो पीछे देखा बाहर एंड गो। ये तीन जीत गए, आ जाए बाकी लोग, आ जाए। ऑडिशन हो चुके ना यार, तो यार घर पे बगैर बताए थोड़ी आएंगे आप। देख लिया यार भाई, लेट हो गए, आने में लेट हो गए। इसकी बाइक की चाबी खो गई थी, देख लो डुप्लीकेट। मैंने पहला चैलेंज दिया था जो 8:30 बजे आएगा वो देर में शामिल होगा। मैं अपनी क्लासेस छोड़ के आया हूँ, मैंने अपने ऑफिस से रिजाइन किया इस चीज के लिए। बाहर कर दो, नहीं करूंगा मैं ऑडिशन। आप 13 लोग हैं जिनकी सिलेक्शन कराची से हुई। आपने ये बात बोली है इन लोगों को या नहीं? नहीं। आसिम तुमने मुझे कॉल करके नहीं कहा था? मैंने आपको कॉल किया था। कसम खा लो तुमने नहीं कहा। तुम मां की कसम खा लो तुमने नहीं कहा मुझे कॉल करके। तुमने ये नहीं कहा मुझे कि सर मैंने बोला तुमने बोला।